है कोई? अच्छा सब में देख सकते। ओके निकी, घर के बाहर आ गई हो आप। यस। काफी अमेजिंग सा सफर रहा है। थैंक यू। एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बिग बॉस हिंदी हो गई है, खतरों का खिलाड़ी भी कर लिया आपने, और मराठी लेने का डिसीजन आपने क्यों लिया था? अच्छा, मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा रहा। ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो हिंदी से ज़्यादा खूबसूरत अगर मेरा जर्नी था तो ये मराठी बिग बॉस का था। ऑनेस्टली इट वॉज़ वेरी हार्ट टचिंग फॉर मी, क्योंकि मैं खुद ही एक मैं मराठी मुलगी हूँ, तो इसीलिए एवरीथिंग जो भी हुआ घर के अंदर, सब कुछ एवरीथिंग टच्ड माई हार्ट। ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, गुड क्वेश्चन, बट इसका जवाब यही है कि मेरे जो फैंस हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, फिर वो मेरा काम हो या बिग बॉस की जर्नी हो, जो मैं रियल सेल्फ, जो मेरी पर्सनालिटी है, उसको बहुत प्यार मिला मुझे। तो देवर लाइक कि आप मराठी मुलगी हो, आप मराठी बिग बॉस क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा चलो ये मेरे तरफ से आप सभी के लिए एक ट्रीट है, एक सरप्राइज है, एंड ए गिफ्ट है, इसीलिए किया। सी मराठी भी उतना ही टफ था जितना हिंदी था। हिंदी में डर ये था कि घर से बाहर नहीं निकल जाओ क्योंकि कोई जानता नहीं था। मराठी में ऐसा था कि मराठी ऑडियंस कभी कभी इतना आउटस्पोकन लड़कियों को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट किया है मुझे, बट मुझे खौफ था कि एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी, फिर मैं सोच के बोलूँ क्या, फिर मैं फेक रहूँ क्या। बट पता नहीं भगवान ने मुझे ये दिमाग दिया कि निक्की लेट्स नॉट बी फेक, तू जैसी है वैसी तू रहे, अगर पसंद किया तो तू आगे जाएगी, नहीं पसंद किया तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि बाहर की ज़िंदगी में भी आपको वैसे ही रहना जैसे आप हो, आपको फेक नहीं करना है। सो या हमने देखा जैसे आप घर के अंदर गई, बड़े मज़ेदार से आपने गेम खेला, और जब हम आपके प्रोमो देख रहे थे तो अरबाज ने आपके लिए किचन में एक हार्ट शेप बनाया था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हम प्रोमो देख के एकदम एक्साइटेड हो रहे थे। अच्छा। कि एपिसोड में क्या होगा? अरे नहीं, वो लड़का बहुत केयरिंग है, उसने मेरी बहुत केयर करी है घर के अंदर, जो मुझे चाहिए था उसने मुझे वो बना के खिलाया है उसने, फिर वो गेम भी हो उसने उसकी कैप्टेंसी मुझे दी है, फिर बीबी करंसी देके उसने मुझे सेव किया है नॉमिनेशन से, उसके बाद एक और बार सबसे पहले उसने मुझे नॉमिनेशन से बचाया है, उसके बाद जब वो एलिमिनेट हुए थे उसने सारे के सारे अपने वो करंसी मुझे दिए थे, तो उसने सब कुछ किया। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए ही आया था, खुद का गेम तो वो खेला ही नहीं, वो मेरे लिए ही खेल रहा था। ग्रीन फ्लैग था नहीं है, ही इज अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग फॉर मी। बट कहीं ना कहीं बाकी लड़कियों का भी कहना कि अरबाज एक सेकंड ना, हाँ क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं बाकी लड़कियों का कहना है कि अरबाज इज अ रेड फ्लैग, क्योंकि रिसेंटली जब वो सिलसिला से बाहर आए थे तो उनका नायरा से काफी अच्छा बॉन्ड था, बट नायरा ने जिस तरीके से एलिगेंस लगाए, बट वो कहीं ना कहीं वो इंगेज भी थे, वैसा भी ऑडियंस का कहना था लीजा से, बट अब कहीं ना कहीं वो सब चीजें छोड़ के अब आपके साथ दिख रहे हैं, तो कितना क्या उसमें रियल है और क्या फेक, क्योंकि ऑडियंस अभी तक कंफ्यूज है। इसका जवाब मैं एक लाइन में दूंगी, डेफिनेटली कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। निकी, जैसे कि आपने कहा कि वो आपके लिए गेम खेल रहे थे, आप दोनों ने घर के अंदर एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया। यस यस। लेकिन मैं जब अरबाज का इंटरव्यू कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि आपने निकी को यूज़ किया है, और अरबाज ने ये चीज़ खुद करा कि मैं घर के बाहर जैसे आया तो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि निक्की ने अरबाज का यूज़ किया है, तो ये क्या है? क्योंकि आप तो अंदर थे और जिस तरीके से हमने गेम देखा है हमें नज़र आया कि आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। यस, तो मैं यही कहूँगी, घर वाले भी यही कह रहे थे कि निक्की अरबाज के इमोशंस का यूज़ कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बलबूते पे गेम में थर्ड पोजिशन पर आई और अरबाज भी अपने बलबूते पे आगे आया है। वो उसका गेम प्लान था कि उसको नॉमिनेशन से सेफ होना है, हालांकि वो बहुत कम नॉमिनेट हुआ है, दो ही बार नॉमिनेट हुआ है। मैं
पूरा ऑलमोस्ट सीजन सिर्फ पहला वीक मैं नॉमिनेट नहीं थी और दूसरा जब मैं कैप्टन बनी मैं फुल सीज़न नॉमिनेट थी, मेरा कैप्टनसी भी चला गया था, तो मुझे वो खौफ था ही कि यार भाई एवरी वीक मैं नॉमिनेट होंगी। तो इमोशंस की जहाँ बात करते हैं तो कोई किसी के इमोशंस के साथ खेल के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेक्षक जो होते हैं ऑडियंस वो देखते हैं कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और उनको पसंद नहीं है कि अगर किसी के मन से खेला जाता है, किसी के दिल से खेला जाता है या फिर किसी को धोखा दिया जाता है, उनको पसंद नहीं है, तो वो बराबर टाइम आने पे निकाल देते हैं लोगों को। तो अगर देखा जाए तो अरबाज भी एंड तक ही थे, मैं भी एंड तक ही थी। तो आपकी मॉम जब घर के अंदर हाँ तो आधी अधूरी बातें जैसे आपने यस के बारे में तो काफी आपको मतलब दुख हुआ, आपने उनकी चीजें बिग बॉस को सौंप दी। अच्छा। फिर अरबाज जब आए घर के अंदर आपको गोदी में उठा के अंदर लेके चले गए तो क्या बातें हुई, क्योंकि बहुत फुसफुसा रहे थे आप दोनों, और तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिग बॉस मराठी हिंदी ऑडियंस ने भी फॉलो किया। ओह रियली, या मुझे तो उन्हें समझा दीजिए कि आप लोग मराठी में तो कुछ बात कर रहे थे, क्या बातें होगी। तो ऑनेस्टली मैंने जब मेरी मम्मी आई थी घर के अंदर, उन्होंने मुझे एक्चुअली मैंने ऐसे बोला था सबके सामने कि अरबाज मेरा ही है, तो उस पर एक्चुअली मम्मी ने डिसाइड नहीं किया था कि वो मुझे बाहर की बातें बताएंगी, पर जब मम्मी और पापा बैठे थे और सारे सदस्य बैठे थे मैंने ये कहा था कि अरबाज तो मेरा ही है, तब मम्मी ने कहा अरे बाप रे तू ऐसा मत बोल, बाहर ऐसे ऐसे चल रहा है और वो एंगेज्ड है। तब मैं शॉक हो गई, मतलब मेरे पैर के नीचे की ज़मीन हिल गई थी कि व्हाट एंगेज्ड है, तो फिर बहुत गुस्सा आया था। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे ना सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज़ से मुझे अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन क्या हुआ उसके पिल्लो को उसकी खुशबू लगी थी, तो मैंने क्या किया था, पिल्लोस ऐसे रखे थे, उसके ऊपर चद्दर रखी थी, एंड मुझे वो लगता था कि उसकी बॉडी तो घर पे नहीं है बट उसका जो प्रेजेंस है ना इससे मैं क्रिएट करूँगी, और वो एक आर्टिफिशियल थिंग मैंने सराउंड किया था अपने इर्द गिर्द कि वो एक एहसास दिलाने के लिए कि अरबाज आज भी मेरे पास है। तो मैंने वो सब उठा के स्टोर रूम में रख दिया, उसकी चप्पल थी मेरे पास, उसका शर्ट था, टी शर्ट था, जो भी था, उसका लॉकेट था एक लायन का, वो सब मैंने डिसाइड किया कि ये सब क्यों कर रही हूँ मैं, जब मतलब आई रियली फेल्ट कि यार एंगेज्ड है, मतलब हमने जो प्लान्स किए हैं बाहर निकल के हमें क्या साथ में काम करना है या व्हाटएवर वी प्लान्ड, ये सब मतलब ये सब झूठ था, ये सब डाउट्स आने लगे क्योंकि वो मेरे साथ नहीं था। तो मैंने वो स्टोर रूम में रख दिया, फिर मेरे मन में यही चल रहा था कि हमने जो टाइम स्पेंड किया 2 महीने वो क्या टाइम पास के लिए था या क्या था पता नहीं, बट जैसे वो आया और मुझे ये पता था कहीं ना कहीं कि वो आएगा तो एक तो मुझे इग्नोर करेगा या फिर मुझे कन्विंस करेगा, वो जिस तरीके से भाग के आया, हालांकि वो टीवी में पता नहीं कैसे दिखा बट मैं सामने खड़ी थी, वो जिस तरीके से आया अंदर मैं शॉक थी, मतलब वो गोली नहीं कोई शूट करता तो गोली कैसे आती है बाहर, वो वैसे बाहर अंदर आया घर के और मुझे उठा के वो लेके गया बेडरूम में, तो और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, 15 मिनट उसने मुझे हगी करके रखा, हालांकि वो कट कर दिया इतना नहीं दिखा सकते, मैं उसे पूछ रही हूँ कि अरबाज हुआ क्या है बता, फिर उसने बताया कि जो भी तेरे को समझ में आ रहा है घर के अंदर वो थोड़ा सा वो फेक है, वो रूमर्स है, और अगर सच भी है तो क्या सच है क्या नहीं उसने मुझे सब बताया, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो सब मैंने ख़त्म कर दिया, इट्स ऑल माय पास्ट, और अब मैं तो भगवान हूँ नहीं कि किसी के पास्ट को एक्सेप्ट ना करूँ या भुलाऊँ ना, अगर सामने वाला इंसान अपने पास्ट को भुलाने के लिए रेडी है तो मैं भी भुलाऊँगी डेफिनेटली, बिकॉज हम सब लाइफ में रोज़ नई ज़िंदगी जीते हैं, सो इट्स एज अ मैच्योर्ड पर्सन आई विल ऑब्वियसली फॉरगेट एनीबडीज पास्ट एंड ग्रो अहेड इन लाइफ। मैं आपसे जानना चाहूंगी निकी, क्योंकि आपको ऑडियंस पहले से जानती है, अरबाज से पहले से जानती है, आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, बॉलीवुड हो या टीवी हो सारी इंडस्ट्रीज के लोग आपको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज अ ऑडियंस सवाल बनता है, क्योंकि अरबाज जब इतने जिला किए थे उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में डक्के की चोट पे कहा कि यस लीजा इज माई फियोन्स से, बट अगर वो 2 महीने के बॉन्डिंग के लिए 8-9 महीने सालों का रिलेशन तोड़ सकते हैं तो क्या आपके लिए लॉयल है आप? मैंने ये कभी कमिट नहीं किया कि मैं उसके साथ किसी रिश्ते में बंधी गई हूँ, मैं जितने भी आप लोगों से बात कर रही हूँ मैंने यही कहा कि वी एज अ फ्रेंड वी आर फॉर ईच अदर, जब भी उसका बुरा वक्त हो मेरा बुरा वक्त हो, उसका अच्छा वक्त हो मेरा अच्छा वक्त हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं एक लड़का और लड़की हमेशा एक रिश्ते में, एक आप उसको रिश्ता दे दो, एक खूबसूरत अलग भी रिश्ता हो सकता है, और मुझे लगता है दोस्ती से खूबसूरत ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं हो। निकी अभी फाइनली आप बाहर आ चुकी है, बहुत अमेजिंग, आपके फैंस हो चुके हैं, थैंक यू, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए हैं, यस अब निकी
क्या लेके आएगी, तो अपने फैंस को बता दीजिए, लास्ट मैसेज उन्हें दे दीजिए कि निक्की अब किस अंदाज में नजर आएगी। अभी आपने तो देख लिया कि मैंने ऑलमोस्ट सारे रियलिटी शोज़ कर लिए हैं, तो अभी बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं आपको दिखाई दूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।